सैफुद्दीन नाम है मेरा। बोलो बोलो, मैं क्या बोलो? मैं जेल से बाहर निकल के 2 महीने वाला मेरे वारंटा थे, मैं पूरे रिकाला करा लिया, फोटों को बराबर पेशियों को अटेंड हो रहा हूँ, जहाँ बुलाए जो पीएस में बुलाए जा रहा हूँ सर वो यूपीएस में भी बुलाए मेरे को, तो भी आया था मैं यहाँ। कहाँ रहते हो? मैं अच्छा रह रहा हूँ साहब, काम वाम कर लेंगे, अच्छा जी ले। क्या काम कर रहे हो? मैं प्लम्बर का काम कर ले रहा हूँ साहब, कभी ऑटो मिला ऑटो चला ले रहा हूँ। अभी क्या हुआ? अभी एक महीना हुआ था मैं जेल से आगे, फिर अभी पीडीएफ मेरे पे डाल दे रहे साहब। कितने केसेस हैं? बच्चे है साहब मेरे, 36 केसेस पेंडिंग थे साहब, मैं रिकॉल करा लिया, कोर्ट में अटेंड हो रहा हूँ साहब, मैं पेशे हूँ बराबर रेगुलर अटेंड हो रहा हूँ मैं पेशे। छोटे छोटे बच्चे था, उन लोगों की पढ़ाई खराब हो जा रही है, इसलिए छोड़ डाला मैं साहब इस वक्त। अब मैं अच्छा जीना चाह रहा हूँ साहब, पीडीएक नहीं डाले तो मैं अच्छा जीतूंगी साहब। अब क्या समझ रहे पीडीएक डाले क्या होता है? 1 साल तक मैं अंदर रहा तो मेरे घर में परेशानी हो जाती साहब, कमा के खिलाने वाला मैं छूँ, इससे पहले चोरियाँ करके मैं देता था घर में, लेकिन अब मैं मेहनत करके दे रहा हूँ साहब, मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैं परेशान हूँ। अभी 2 महीने पहले भी स्नैचिंग केस में आप पकड़े गए, तो उससे पहले भी कभी आपको ख्याल नहीं आया कि सब छोड़ के काम कर लेंगे? छोड़ दे तो भूल गया, इसलिए छोड़ डाला था मैं, अब ये पीडीएक डालने वाले मेरे पे बोलिए। पीडीएक के डर से छोड़ना चाह रहा है साहब, मैं दिल से सुधरना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ देना चाह रहा हूँ। टोटल कितने की? अभी आपको मालूम है ये हैदराबाद शहर में और हमारे पटना ईस्ट जोन में जो रबड़ी शीटर हो या कमल अफेंडर हो, जो भी अभी ये ना आम आदमी को तकलीफ़ देना और कई इलीगल एक्टिविटीज़ करना, वैसे लोगों को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट में हम डिटेन कर रहे हैं। उसके हिसाब से अभी ये जो सैफुद्दीन अलाफ कुतुब 36 इयर्स, इन्होंने चेन स्नैचर है, इन्हें अभी तक 53 केसों में उनको अरेस्ट केस है और 53 केसों में से 10 केसों में उनको कन्विक्शन भी हुआ और उन्होंने कभी कई बार जेल भी जा चुका, और इनके बाहर रहने से ये जो भी आम वुमेन पर्टिकुलरली रोड पे घूमना मुश्किल हो जा रहा, तो पब्लिक के एक मिनेस हो गया इनके तरफ से, उसी वास्ते इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अभी डिटेन कर रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद साहब ने आर्डर्स इश्यू किए, अभी उसके आर्डर के हिसाब मुताबिक इनको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिए, हिरासत में ले लिए और उनको अभी जेल भेजते हैं। और ये ईस्ट जोन में लास्ट 1 मंथ में इन ये चेन स्नैचर के अलावा और 3 रवड़ी शीटर्स को भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार करें, और उनका नाम है एक कलम राजू और एक मोहम्मद इमरान और एक सैयद अमानुद्दीन, ये तीनों को भी पहले ही हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर रहे हैं, और ये ईस्ट जोन में नंबर 4 है, अभी इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम कब्जा गिरफ्तार करें और उनको जेल भेज रहे। सो अभी और आगे भी अगर कोई ऐसे रवड़ी हेलमेट्स है और कम्युनल अफेंडर्स है, जो भी सोसाइटी को मिनेस है, वो लोगों को ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार करने का हम प्रपोजल कर रहे हैं। जो अच्छा है उनका हम रवड़ी शीट निकालने का भी कोशिश करते, लेकिन जो अगर नए लोग ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते उनको उनके अगेंस्ट में रवड़ी शीट भी ओपन करते हम, ये एक तरफ अगर अच्छा हुआ तो क्लोज करते, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करे तो नए रवड़ी शीट भी खोलने में कोई हिचकिचा।